नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी जिले के मोट थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी में चुनावी रंजिश मानते हुए कुछ युवकों ने एक युवक की धुनाई कर डाली। इस मामले में युवक ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला मोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरी का है, जहां चुनावी कहासुनी में दबंग युवक मारपीट पर उतारू हो गए, जिसमें पीड़ित युवक राघवेंद्र यादव के मुताबिक गांव के ही पंकज यादव और अनुज यादव ने उसे गाली गलौज करते हुए लात घूसों से जमकर घर में घुसकर मारपीट कर डाली और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। फिलहाल पीड़ित ने मोट पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देते हुए पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दबंग युवकों के खिलाफ पंजीकृत कर लिया है। राघवेंद्र सिंह यादव, कहाँ के निवासी हो? क्या हुआ है आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था जवाहरलाल राजपूत का, वो गांव से निकले, फिर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने लात घूसों से मारपीट की घर पे आकर, और बोलने दी कि भाजपा का प्रचार नहीं करो। अच्छा, तो फिर आज आप कहाँ आए थे? आज मोट थाने शिकायत करने। अच्छा, क्या हुआ, क्या कहा? कुछ नहीं, रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ठीक है।